नमस्कार, मैं हूँ आशीष दुबे। टीवी नाइन भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे नापाक जोड़ीदारों की। दरअसल जिस तरीके से पाकिस्तान और चीन भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, वो साफ तौर पर इन दोनों देशों के भारत के खिलाफ एजेंडे की ओर इशारा करता है। ऐसे में पाकिस्तान ने जो इस बार नया कदम उठाया है, उसने साफ तौर पर बता दिया कि पाकिस्तान जिनपिंग को खुश करने के लिए अमेरिका के खिलाफ भी जाने को तैयार है। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने अपने ताजा फैसले से एक बार फिर साबित कर दिया कि अब वो पूरी तरह से चीन की गोद में जा बैठे हैं और अमेरिका से उन्हें अपने रिश्ते खराब करने में भी अब कोई डर नहीं लग रहा। दरअसल अमेरिका ने डेमोक्रेसी समिट में भारत पाकिस्तान समेत दुनिया के 110 देशों को आमंत्रित किया था, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया और पाक के इस कदम से उत्साहित चीन ने पाकिस्तान को अपना असली भाई करार दे दिया है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने चीन की शह पर ही ये कदम उठाया, क्योंकि अमेरिका ने चीन को बुलावा नहीं भेजा था। ऐसे में आने वाले दिनों में पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते भी खराब हो सकते हैं, जिसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है। तो दूसरी ओर जो दक्षिण एशिया है, वहाँ पर भी एक नई मुसीबत चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी के बाद सामने आ सकती है। तो वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस मामले को लेकर एक प्रेस रिलीज जारी की है और कहा है कि अमेरिका के साथ हमारी साझेदारी के मायने बहुत ही अलग हैं और ये अहम है, और हम उम्मीद करते हैं कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में विस्तार होगा। हम लोकतंत्र और मानवाधिकारों के मुद्दों पर अमेरिका से संपर्क में रहेंगे। हम भविष्य में इस तरह की पहल में शामिल होने की उम्मीद करते हैं। जबकि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के इस बयान को ट्वीट करते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लिजियन ने लिखा है कि पाकिस्तान ने लोकतंत्र समिट में शामिल होने से इनकार कर दिया। एक असली और मजबूत भाई जो साफ तौर पर चीन पाक की जुगलबंदी की ओर इशारा करता है। कुल मिलाकर 110 देशों के इस समिट में बांग्लादेश, तुर्की, रसिया और चीन को बुलावा नहीं भेजा गया था, जिसके चलते ही चीन तिलमिला उठा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से बाखबर रहने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में टीवी 9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।